आज हम शलभासन बंद करेंगे जो कि लोअर बॉडी बैक पेन के लिए एंड स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने स्टमक पे लेट जाएंगे और दोनों हाथ अपना साइड में रखेंगे। धीरे से अपना राइट लेग उठा लेंगे और आपको सामने देखना है। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपने लेग को होल्ड करके रुके रहेंगे जब तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से लेग को वापस लाना है। फिर अपना लेफ्ट लेग उठाएंगे और यहाँ पे होल्ड करके अपने लेग को रुके रहेंगे। फिर उसके बाद एक्सहेल करते हुए वापस आ जाना है। फिर उसके बाद अपना दोनों लेग उठा लेंगे। आपका पूरा जोर है आपके थाइस एंड पेट पे आएगा। आपको सामने देखना है और आपका टोज जो है बाहर की तरफ रहेगा। धीरे से वापस आ जाएंगे, धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। अभी हम इसके बाद शलभासन वेरिएशन 2 करने वाले हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने घुटने पे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ नीचे रखेंगे। अपने घुटने में गैप रहेगा आपके और आपको सामने देखना है। हाथ में भी गैप होना चाहिए। धीरे से अपना लेग स्ट्रेच करते हुए सामने आपको देखना है। अपना लेग सीधा करेंगे, टोज बाहर की तरफ होगा और लेग को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना है ताकि आपके स्पाइन पे थोड़ा जोर आए एंड थाइस पे। फिर धीरे से उसको वापस लाना है। फिर अपना दूसरा लेग स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पे होल्ड करके रुके रहेंगे। आपके जो टोज हैं वो बाहर की तरफ होंगे। आपको नॉर्मल ब्रीथ में यहाँ पे ये आसन करना है। फिर धीरे से अपना दूसरा पैर वापस ला के नीचे रख देंगे। इसके बाद हम शलभासन वेरिएशन 3 करेंगे। इसके लिए आप अपने पैरों में 1 फीट का गैप लेके खड़े हो जाएंगे। अपना दोनों हाथ वॉल पे रखेंगे एंड धीरे से अपना राइट पैर पीछे की तरफ ले जाना है और स्ट्रेच करना है। यहाँ पे आप थोड़ी देर स्ट्रेच करते हुए रुके रहेंगे। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर अपना दूसरा लेग उठा के पीछे की तरफ ले जाना है आपको। अब ध्यान रहे आपका टोज जो है बाहर की तरफ हो। स्ट्रेच करेंगे प्रॉपर, आपके नीज स्ट्रेच होने चाहिए, पैर स्ट्रेच होने चाहिए। फिर उसके बाद आप धीरे से वापस आ जाएंगे। इसका एक वेरिएशन भी है जो धीरे से अपना लेग स्ट्रेच करके घुटने से फोल्ड करके टोज को ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेच करना है। यहाँ पे थोड़े ही 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अपने पैर को होल्ड करके रुके रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर वैसे ही अपना दूसरा पैर पीछे से स्ट्रेच करके फोल्ड करेंगे और वहाँ पे थोड़े देर के लिए रुके रहना है। फिर उसके बाद आपको वापस आ जाना है। तो अभी हम हस्तपदांगुष्ठान आसन करेंगे जो कि ये भी लोअर बैक पेन के लिए ही है एंड स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने पीठ पे लेट जाएंगे और धीरे से अपना राइट हैंड 90 डिग्री पर उठाएंगे। उसके बाद राइट लेग भी आपको 90 डिग्री पे उठाना है। ध्यान रहे आपके पैर और हाथ दोनों स्ट्रेट रहें घुटने से। और यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए अपना हाथ और पैर होल्ड करके रुके रहेंगे। फिर धीरे से अपना पैर वापस लाएंगे और हाथ भी वापस लाएंगे। फिर अपना लेफ्ट हाथ 90 डिग्री पर उठाएंगे और लेफ्ट लेग 90 डिग्री पे उठाएंगे। यहाँ पे होल्ड करके 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पे रुके रहना है, या फिर आप जब तक होल्ड कर सकते हो तब तक रुके रहना है। उसके बाद धीरे से आप अपना पैर वापस लाएंगे, उसके बाद हाथ भी वापस लाना है। धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। शलभासन 1, 2, 3 और हस्तपदांगुष्ठान आसन, ये जो चारों आसन हैं ये लोअर बॉडी बैक पेन के लिए एंड स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस एंड लोअर बैक पेन है वो ये आसन कर सकते हैं, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। इससे आपका स्पॉन्डिलाइटिस एंड लोअर बैक पेन क्योर होता है। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें।